कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे। पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर फर्शे और मेज लगाते हैं। दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी ठोस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही दागुतोन गद्दियाँ लगाकर नीचे मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और सुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं। लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना सोना बहुत अच्छा होता है। एक और जरूरी बात ये है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतार कर घर की चप्पल पहनना आप है। और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा। अगले पाठ में काम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए बाय बाय। I don't know if you're going to...